शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, मेरी बहन है यहाँ पर, छोटी। छोटी? कौन छोटी? रूपा चौहान नाम है उसका। रूपा? रूपा तुम्हारी बहन है? मगर उसका भाई तो। हाँ डॉक्टर साहब, रूपा का भाई मैं नहीं, अजय है। ये 4 साल से यहाँ पर नहीं था ना, तो इसकी जगह भाई का फर्ज मैं निभा रहा था। कब आया तू? कल। कैसा है? छोटी को क्या हुआ? अजय, खुद अपनी आंखों से देख ले। तुम लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है। मैंने अपने शादी के कार्ड सबको बांट दिए, बस एक तुम लोगों को ही देना भूल गई। देखो, तुम लोग भूलना नहीं यार, जरूर आना। तुम लोग आओगे ना, लो तुम भी लो, तुम भी लो और तुम भी लो। देखो, तुम लोग जरूर आना यार, बहुत मजा आएगा। मेरे भैया ना बड़ी धूमधाम से मेरी शादी करने वाले है। तुम जानती हो, शहर गए हैं, मेरे लिए शादी का जोड़ा लाएंगे, मेहंदी के पैकेट लाएंगे और ढेर सारी चूड़ियां भी लाएंगे। अरे तुम क्यों रो रहे हो? समझ गई, लगता है तुम्हारी बहन की भी शादी होने वाली है। मुझे पता है, बहनों की शादी में भाई बहुत रोते हैं। मेरे भैया भी कहते थे कि मैं तेरी शादी में बहुत रोऊंगा। ये लो मेरी शादी का कार्ड, देखो तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। हाँ, और अगर मेरा भैया रोए तो उन्हें रोने मत देना। छोटी, मैं। मत छुओ मुझे, मुझे सिर्फ मेरे भैया छू सकते हैं, तुमने कैसे छुआ मुझे? रूपा, रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी शादी के कार्ड बांट रही थी। रूपा, अपनी शादी के कार्ड कोई खुद थोड़ी बांटता है। लाओ मुझे दे दो, मैं बांट दूंगा। और तुम चलो, तुम्हारा दवाई पीने का टाइम हो गया है, तुम दवाई पी लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो चलो। बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए, मां घर से झोपड़े में पहुंच गई और छोटी छोटी पागलखाने। ये सब देखने के बाद तो पूजा से मिलने की हिम्मत ही नहीं होती। पूजा के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम चाहो भी तो उससे मिल नहीं सकते। हाँ अजय, पूजा इस दुनिया में नहीं रही। क्या? तुम्हारे जेल जाने के बाद उसके डैडी उसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे के साथ करना चाहते थे, और तुम तो जानते हो पूजा तुमसे कितना प्यार करती थी। जान दे दी। हराम साधे, मेरा 2 करोड़ का माल तुम लोगों ने गवा दिया। कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने इतनी हिम्मत की? कौन था? कौन है आप? शक्ल से इतने नासमझ तो नहीं लगते हो तुम। तुम्हारा एक आदमी अस्पताल में मरने से पहले, डरो नहीं, उसने सिर्फ इस जगह का पता बताया है, तुम्हारा नाम नहीं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बच गए, वरना यहां आने की बजाय मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में बुलवाता। और पुलिस स्टेशन में मुजरिमों के साथ किस तरह से पेश आता हूं मैं, ये किसी मुजरिम से ही पूछकर देखना। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं मुजरिम नहीं, बिजनेसमैन हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूं। कारोबार? ठीक कहा तुमने, मौत खरीदते हो तुम और मौत बेचते भी हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
लेकिन एक बात याद रखना। समझे नहीं इंस्पेक्टर, शायद तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारे सारे खानदान को। तुम्हारी मां चंपा बाई के कोठे पर मुजरा करती थी। और तुम्हारा बाप बच्चों की वाड़ी का मशहूर भड़वा था। सच कड़वा लगा ना? इंसान का इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं कि उसकी जुबान को रोकने के लिए उसकी सांस को बंद करना पड़े। ये तमाचा मैंने तुम्हें अपनी वर्दी की क्रीज खराब करने के लिए मारा है। और याद रखना, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना, क्योंकि मौत के सौदागरों को ज्यादा दिन जीने की मोहलत नहीं देता मैं। मरेगा ये हरामजादा मेरे ही हाथों से। माँ, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। तुमने ही उस लड़के को एक दिन पहले जेल से रिहा करवाया। मैं तो वहाँ ठीक 9 बजे पहुँच गई थी, लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ माँ, इतने बड़े शहर में मैं उस मवाली को कहाँ ढूंढती फिरूंगी? हे माँ, एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। उसके आर्टिकल में मैं तेरा भी जिक्र करूंगी। अरे, ये तो वही रेपिस्ट है। वाह माँ, तूने तो कमाल कर दिया। अम्मा, मैं तेरा शुक्रिया अदा बाद में करूंगी, पहले अपनी रोजी रोटी का तो बंदोबस्त कर दूं। अजय, अरे इतना बोझ मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं उठाया। कमर टेढ़ी हो गई। और फाइल उठाकर लाने के लिए मुझे मत बोलना भाई। मैं और फाइलें लाने के लिए नहीं बोल रहा। यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं, उनमें से रेप केस के आर्टिकल्स गायब हैं। लगता है तेरी जिंदगी में कोई और भी दिलचस्पी ले रहा है। बड़ी जोरों की भूख लगी है भाई, पहले तो पेट पूजा करो, उसके बाद है दरवाजा खुला है। मैं गलती से ताला लगाए बिना तो नहीं चला गया? तूने ताला मेरे सामने लगाया था। इसका मतलब चोर हाथ साफ कर गया। चोर हाथ साफ होता क्यों है? चल अंदर चल चल। वाह क्या खुशबू है। तुम लोगों ने आने में 10 मिनट की जल्दी कर दी, वरना मैं स्वीट डिश भी बना लेती। कौन हो तुम? ओह सॉरी, मेरा नाम रितु है। मेरा नाम गोपाल। ये सारा खाना तुमने हम दोनों के लिए बनाया है ना? आप दोनों के लिए नहीं, हम तीनों के लिए बनाया है। ये कटिंग्स तुमने लगाई है यहाँ? हाँ, सोचा था तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन बातें बाद में, पहले खाना। ओके हाँ चलो। कौन हो तुम? ब्रदर, ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है। ए मिस्टर, हाथ छोड़ के बात करो। मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें 4 साल के लिए रेप केस के जुर्म में अंदर कर सकती है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, समझे? नहीं नहीं सिस्टर, ऐसा कदम मत करना। तुम तो अच्छी लड़की लगती हो। वो तो मैं हूँ ही, इसीलिए तो यहाँ आई थी, इसकी मदद करने। मगर ये तो हाथ पकड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, ये मेरी अपनी जंग है, उसे लड़ूंगा भी मैं ही। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो, लेकिन इस जंग में अगर तुम्हारा कोई साथ देना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना?